नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दो दिन में सीएम पद से दे दूंगा इस्तीफा, चुनाव तक कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। नए मुख्यमंत्री का फैसला, दो तीन दिन में होगा फाइनल। पीएम ने रांची में 6 वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जमशेदपुर में करेंगे महारैली, खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से हुए रवाना। कोलकाता रेप मर्डर केस में संदीप घोष सीबीआई की गिरफ्त में, सबूतों से छेड़छाड़ करने के लगे हैं आरोप। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और आतंकियों के बीच हुई सुबह मुठभेड़, आतंकियों को मार गिराया, तीन दिन में हुआ 5वां एनकाउंटर। हरियाणा में किसानों ने की महापंचायत, सीमेंट बैरिकेडिंग से पंजाब बॉर्डर किया गया सील, अनाज मंडी के गेट पर की गई पुलिस फोर्स तैनात। तेज बारिश से दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर 2 फीट तक भरा पानी, तो वहीं एमपी के 10 और राजस्थान के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। यूपी के मेरठ में हुआ बड़ा हादसा, 3 मंजिला मकान गिरने से परिवार के 10 लोगों की हुई मौत, 16 घंटे चला रेस्क्यू, स्निफर डॉग से तलाशी जारी, मृतकों में 6 बच्चे भी शामिल। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अंबाला से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल विज ने मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। दरअसल अनिल विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुद को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा पेश किया। विज ने कहा कि मैं हरियाणा में भाजपा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और जीता भी हूँ, 7वीं बार में चुनाव लड़ रहा हूँ। साथ में ये भी कहा कि मैंने आज तक अपनी पार्टी बीजेपी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार पूरे प्रदेश की जनता ये कह रही है कि मैं सीएम बनूं। अनिल विज ने कहा कि सारे हरियाणा से लोग आ रहे हैं, मैं जहां जहां गया हूं लोग कह रहे हैं कि आप सीनियर पोस्ट पर हो, सीएम क्यों नहीं बने, और अंबाला छावनी की जनता के कहने पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद का दावा करूंगा। हालांकि मुझे सीएम बनाना या नहीं बनाना हाईकमान का फैसला होगा, वहीं अगर मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी की ओर से महिलाओं के राजनीति में आने को लेकर की गई टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल इस टिप्पणी से न केवल स्वयं सांसद जयप्रकाश घिर गए हैं, बल्कि विरोधी राजनीतिक दल और खाप पंचायतें मुखर हो गई हैं। इस मुद्दे को लेकर 2 दिन से पंचायतों का दौर जारी है। विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांवों में पंचायतें हो रही हैं, इनमें जेपी का विरोध हो रहा है और अब ये मामला महिला आयोग के संज्ञान में भी आ चुका है। आपको बता दें, राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि सांसद को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। दरअसल बीते दिनों सांसद जयप्रकाश कलायत विधानसभा से अपने बेटे विकास सहारण का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लिपस्टिक पाउडर लाके लीडर बने तो मैं भी लगा लूं, फिर दाढ़ी क्यों रखूं। यह टिप्पणी इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जयप्रकाश की टिप्पणी पर निर्दलीय नामांकन दाखिल कराने वाली अनीता डुल बड सीकरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने हमेशा कलायत विधानसभा की राजनीति के जरिए क्षेत्र का नाम रोशन किया है, साथ ही उनके द्वारा इस टिप्पणी की शिकायत ढूल खाप के समक्ष भी की गई है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के उचाना में किसानों की महापंचायत की गई। दरअसल इसमें बड़ी संख्या में पंजाब के किसान पहुंचे, वहीं पुलिस ने पंजाब और हरियाणा की सीमा पर नाकाबंदी कर दी। बता दें, आज जींद के उचाना की अतिरिक्त अनाज मंडी में सुबह 11 बजे किसानों की महापंचायत शुरू हुई। यह महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर हो रही है। बताते चले कि महापंचायत में किसानों ने विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा की। इससे पहले ही पुलिस ने रात को दाता सिंह वाला बॉर्डर के आसपास से निकलने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया था। वहीं कैथल की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के युवा किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि पुलिस कितने भी रास्ते रोक ले, लेकिन किसान महापंचायत में जरूर पहुंचेंगे। किसी भी सूरत में किसान का जत्था नहीं रुकेगा। यदि किसानों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की गई तो वहीं पर किसान धरना लगाकर बैठ जाएंगे। किसानों ने इससे पहले शनिवार को भी बैठक करके महापंचायत को सफल बनाने की रणनीति बनाई थी। किसानों को उद्देश्य है कि किसी तरीके से किसानों
मजदूरों व अन्य वर्ग के लोगों को एकजुट कर भाजपा के खिलाफ किया जाए। हरियाणा के उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से जसपा उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला को जींद के एक गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल यहां ग्रामीणों ने दुष्यंत चौटाला को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं का विरोध होना शुरू हो गया है। जननायक जनता पार्टी व हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को लोगों के द्वारा विरोध का सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के लिए गांव में गए दुष्यंत चौटाला को ग्रामीणों ने काले झंडे दिखाए। दुष्यंत चौटाला का जींद के गांव छत्तार में ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। इसके अलावा युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको ये भी बता दें कि उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से जसपा उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से देवेंद्र अत्री भी अपना अभियान चला रहे हैं। दरअसल बता दें कि किसान आंदोलन से ही लोग दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खड़े हो गए हैं। काफी युवाओं ने कहा कि 2019 के चुनाव में उन्होंने दुष्यंत चौटाला को भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में जीत करवाई थी, लेकिन वे भाजपा के साथ ही सरकार में शामिल हो गए थे। दुष्यंत चौटाला से लोगों ने सवाल भी किए, लेकिन दुष्यंत चौटाला बिना जवाब दिए ही आगे बढ़ गए। इससे गुस्साए लोगों ने उनका बॉयकॉट किया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।